हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। माय चैनल नेम फिजिक्स विद अरियान 8234। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन अनदर टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ मोशन, एंड विच वी स्टडी द गैलीलियो कंसेप्ट, न्यूटन कंसेप्ट, लॉज ऑफ न्यूटन्स, एंड आल्सो द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज and somehow some MCQs about these laws. Okay, we are going to start lecture number 5, chapter 3, first year physics. तो हमने पहले किया था, इससे पहले लेक्चर में हमने किया था एक और टॉपिक जो कि एक MCQs हमसे रह गई थी उसके ऊपर, जो हमने फ्री फॉलिंग मोशन के लिए की थी। और फ्री फॉलिंग मोशन से पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉलिंग से एक ट्रिक्स, इसमें हमने कुछ ट्रिक्स पढ़े थे और उसके हवाले से एक एमसीक्यूज हमसे रह गई थी। तो पहले उस एमसीक्यूज को करते हैं, तो फिर उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। कंसेप्ट ऑफ मोशन में हम गैलीलियो को स्टडी करेंगे कि गैलीलियो ने क्या कहा था, और इसके बाद हम न्यूटन की तरफ आएंगे, न्यूटन की लॉज के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, न्यूटन फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, ये करेंगे। और इसके बाद कनेक्टिंग बॉडीज सेकेंड ला में हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। बहुत ही आम है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज को जो हमसे रह गई थी वो एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। अ बॉडी कवर्स 20 मीटर and fifth second of its journey. A body covers 20 meter and fifth second of its journey and its initial velocity. इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पहले रेस्ट में थी, अब हम इसको मोशन दे दिए और 20 मीटर फिफ्थ सेकंड इन इट्स जर्नी में, फिफ्थ सेकंड 20 मीटर उसने कवर कर लिए फिफ्थ सेकंड में। तो देखे देन व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन हो, लेट्स सपोज फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स जर्नी 20 मीटर एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स जर्नी स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन हो, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था एस एन इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई टू टू एन माइनस वन, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इधर क्या है, इधर हमसे एक्सेलरेशन मांगा गया है, तो जी की जगह हम एक्सेलरेशन पुट कर लेंगे, क्योंकि जी जो है फ्री फॉलिंग मोशन के लिए है, फ्री फॉलिंग मोशन के लिए। तो एस एन हो जाएगा ए डिवाइड बाई टू टू एन माइनस वन, ये हमने लिख लिया। अब एस एन हमें गिवन है 20 मीटर, वो हमने लिख ली। और ए हमसे मांगा गया है डिवाइड बाय टू, एन हमें क्या दिया गया है फिफ्थ, एन कितने दिया गया है फाइव, मैंने पुट कर ली तो ये आ गया। अब देखें 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय टू 40 इक्वल टू ए इनटू, इससे क्या आएगा 2 5 10 और 10 और माइनस वन 9 आ जाएगा, 9 इस साइड पे कर ले 40 डिवाइड बाय 9। तो आई थिंक इससे कुछ इस तरह आंसर आ जाएगा 4.44, ये हमारे साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन है, 4.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका ऑप्शन हुआ। तो ये एमसीक्यूज हमसे रह गई थी जो कि इस ट्रिक पर हमने एमसीक्यूज नहीं की थी। तो ये रही इसके ट्रिक के ऊपर एक एमसीक्यूज। तो अब हम करने जा रहे हैं
क्या कंसेप्ट ऑफ मोशन, कंसेप्ट ऑफ मोशन। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ मोशन अप टू 17 सेंचुरी तक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें गैलीलियो भी था, गैलीलियो ने कुछ हद तक अच्छी एक्सप्लेनेशन की थी। आवर न्यूटन कुछ लिमिट तक गैलीलियो के साथ एग्री भी था। न्यूटन 17 सेंचुरी के बाद आ गया था, लेकिन वो एग्री था, वो एग्री था किसके साथ, गैलीलियो के साथ, लेकिन कुछ हद तक। देखें तो हम कंसेप्ट ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ मोशन। देखे एन एंसेंट हम लिख सकते हैं, एन एंसेंट फिलोसफर, वो जो फिलोसफर थे एंसेंट के पहले जमाने का जमाने के, वास परप्लेक्स्ड, बिल्कुल परप्लेक्स का मतलब है परेशान थे। अबाउट व्हाट, अबाउट क्या, अबाउट द वर्ड मोशन, मोशन के ऊपर ये क्या थे, बहुत परेशान थे, ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कंफ्यूजन किस हद तक रही, कंफ्यूजन जो है ये कंफ्यूजन हमारे साथ इसमें, ये कंफ्यूजन 17 सेंचुरी तक हुई, 17 सेंचुरी तक ये हुई। तो ये कंफ्यूजन 17 सेंचुरी तक थी, और इसमें गैलीलियो भी था, गैलीलियो भी इसमें शामिल था। और गैलीलियो जो था वो 1564 से लेकर 1642 तक, ये जो 1564 से लेकर 1642 तक गैलीलियो ने कोशिश की थी मोशन के ऊपर कोशिश की थी। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि स्लोप इज नेसेसरी फॉर व्हाट, स्लोप इज नेसेसरी फॉर मोशन, मोशन के लिए स्लोप जरूरी है, मोशन के लिए स्लोप इज नेसेसरी फॉर व्हाट मोशन। तो उसने क्या कहा कि अगर मोशन होगा तब ही हमारे साथ मोशन, अगर स्लोप होगा तब हमारे साथ मोशन होगा, अगर स्लोप नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। तो उसका क्या मतलब था, मतलब ये था कि अगर ये बुक है मेरे साथ, इसके ऊपर मैं मार कर रख रहा हूं, अगर उसमें स्लोप नहीं है तो ये रेस्ट में होगा। अगर जैसे ही मैं स्लोप क्रिएट कर देता हूं, स्लोप इधर हो जाता है, तो ये मारकर नीचे मोशन में चला जाता है, मोशन करता है। तो उसने कहा स्लोप इज नेसेसरी फॉर व्हाट, फॉर मोशन। और उसके साथ साथ उसने एक डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया था, वो हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोशन के हवाले से और स्लोप के हवाले से। देखें अगर एक मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, स्लोप है मेरे साथ, और एक ऑब्जेक्ट एक मास जो है मेरे साथ, लेट सपोज एक मास है, और इसके ऊपर ये नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर है, क्या है नॉर्मल फोर्स। तो देखिए इस पर क्या होगा, वेट नीचे की तरफ, क्या डब्ल्यू हमारे साथ वेट नीचे की तरफ वेट भी होगा। देखिए इसके कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स जो कि एक्स कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट जो कि डब्ल्यू वाई वेट का वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट और एक
वाई कंपोनेंट होगा। और याद रखें ये नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स देखें डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं नॉर्मल फोर्स किस फोर्स किसके बराबर है, डब्ल्यू एक्स के बराबर है। एक्स कंपोनेंट जो कि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर हो गया, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर हो गया। और एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा और एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। थीटा और एंगल के साथ नॉर्मल फोर्स चेंज होता है, नॉर्मल फोर्स चेंज होता है किसके साथ, एंगल के चेंज करने से नॉर्मल फोर्स चेंज होता है। और देखिए, और देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर एंगल को चेंज करूं, अगर मैं एंगल को चेंज करूं, ये बॉडी जो जा रही है अगर मैं इसकी एंगल को चेंज कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो रही है। अगर इसकी एंगल को मैं चेंज करूं तो नॉर्मल फोर्स चेंज होगा। और इसके बाद अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए, अगर एफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर फ्रिक्शनल फोर्स हमारे साथ जीरो हो जाए, जो कि मैं स्मॉल एफ के साथ डिनोट कर रहा हूं, ये हमारे साथ जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, तो मेरे साथ एफ नेट फोर्स जो होगा, एफ नेट फोर्स जो कि डब्ल्यू वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेट के बराबर हो जाएगा और डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एफ नेट की जगह, एफ नेट की जगह एम ए लिख लू और डब्ल्यू की जगह एम जी लिख लू, क्योंकि वेट जो है एम जी के बराबर और फोर्स एम ए के बराबर, साइन थीटा और एम एम आपस में कैंसल, एम एम आपस में कैंसल, तो इससे क्या हमें क्या हासिल होगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इधर कोई मास का टर्म नजर नहीं आ रहा। अगर मास का टर्म नहीं नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मास इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट है, मास का टर्म इधर कहीं पर नजर नहीं आ रहा तो ये एक्सेलरेशन जो है मास इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड ये नहीं करती। और इसके साथ साथ अगर हम देख ले, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहा फ्रैक्शनल फोर्स जीरो होगा, फ्रैक्शनल फोर्स जीरो होगा तब ही एक्सेलरेशन मास ए इंडिपेंडेंट होगा। और इसके बाद जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, इधर मैं जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन इधर लिख लेता हूं, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, स्टार्टिंग मोशन, स्टार्टिंग मोशन। तो देखें स्टार्ट होने से पहले, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, तो मेरे साथ फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज के बराबर होगा, डब्ल्यू वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेट जो कि किस चीज के बराबर है, डब्ल्यू साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन हमें पता है एंड हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन। तो एन क्या है, एन इधर नॉर्मल फोर्स है, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। तो देखें और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम अब कर लिखेंगे। तो देखें हमारे साथ म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एन। तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन
थीटा, और इसके साथ साथ एन की वैल्यू क्या है, हमने पहले लिखा था डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू और डब्ल्यू आपस में कैंसल, तो क्या रहा म्यू इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब स्लोप। तो इसका क्या, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। एफ क्या है, हमारे साथ फ्रैक्शनल फोर्स, ये फ्रैक्शनल फोर्स है। अब हम न्यूटन की तरफ जाते हैं, ये था गैलीलियो का कंसेप्ट, ये हमने गैलीलियो का कंसेप्ट थोड़ा सा एलिबोरेट किया, डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद हम न्यूटन की तरफ जाते हैं। आप सबको पता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ मालूमात हमें दी है, और ग्रेविटी के साथ साथ न्यूटन ने मोशन के बारे में भी हमें बहुत से मालूमात दी, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें मालूमात दी है, और फोर्स के हवाले से भी बहुत से मालूमात दी है। तो अब हम न्यूटन को स्टडी करते हैं कि न्यूटन ने किस तरह, न्यूटन जस्ट न्यूटन ने जनरलाइज किया क्या, स्टेटमेंट ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो के स्टेटमेंट को जनरलाइज किया और मोशन को डिस्क्राइब किया इन हिज थ्री लॉज, तीन लॉज, लॉज में उसने डिस्क्राइब किया। अब हम आइज़ैक न्यूटन को स्टडी करते हैं, आइज़ैक न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन ये 1642 से लेकर 1642 से लेकर 1727 तक था, और इसको स्टडी करते हैं, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन था, और उसने डिस्क्राइब किया था क्या, डिस्क्राइब किया था मोशन को, मोशन को एंड हिज थ्री लॉज। और मैंने और इसके हवाले से क्या किया, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन था, क्या किया था, मोशन को डिस्क्राइब किया था, इधर हम मोशन को, और इसके साथ 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 इसने ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ मालूमात हमें दी थी, ग्रेविटी, और इसके साथ साथ हमें डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें मालूमात दी थी, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और इसके साथ साथ फोर्स के बारे में भी इसने मालूमात दी थी। तो हम अब पढ़ेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे रह गया, हमने, मैंने कह तो दिया लेकिन मैंने लिखा नहीं कि न्यूटन, न्यूटन जनरलाइज, न्यूटन जनरलाइज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो की स्टेटमेंट को जस्ट क्या किया था, जनरलाइज किया था, जस्ट जनरलाइज किया था। अब हम पढ़ेंगे क्या, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज, न्यूटन लॉज की लिमिटेशन को अब हम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज की लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। सेकेंड, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये होगा, ये माइक्रोस्कोपिक ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रो माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्लो स्पीड व्हिच इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। एंड द थर्ड वन, द थर्ड वन, सिस्टम इज कंसिडर टू बी अ सिंगल पार्टिकल, ये तीन कंडीशन लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन मैं इधर लिख लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज, फर्स्ट ओनली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर व्हाट, ओनली एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या है, ओनली
एप्लीकेबल, ये सारे लास्ट जो हैं मैं आगे पढ़ूंगा, ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर व्हाट, मैक्रो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूविंग मूविंग विद स्लो मूविंग विद स्लो स्लो व्हाट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस देन सी, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम. और लास्ट वन सिस्टम, सिस्टम इज कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, टू बी अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल इसको कंसीडर करेंगे, आगे समझ आ जाएगा. अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन हो, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन, चलो इधर मैं लिख लेता हूं. तो ये तीनों लिमिटेशन है, ये तीनों क्या है, लिमिटेशन है. तो देखें, एक हमारे साथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, हैविंग नो हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, नॉन एक्सेलरेटेड. और इसके साथ साथ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसका क्या है, सॉरी, और नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, जिसमें एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड हो, क्या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन जो है जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो, इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. अच्छा, ये थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स किया गया था, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स किया गया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ. चलो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम अब डिस्क्राइब करते हैं. देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो एब्सेंस ऑफ फोर्स में किया गया था, एब्सेंस ऑफ फोर्स, जिसमें फोर्स ना हो, एब्सेंस ऑफ फोर्स, एब्सेंस ऑफ फोर्स. तो देखें इसका स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट दैट दैट, ये लॉ क्या स्टेट कर, दिस लॉ स्टेट्स दैट that in the absence of, in the absence, in the absence of external unbalance, unbalance, external unbalance force जो है, external unbalance force, this is stated in the absence of external unbalance force F, a body at rest will remain at rest, will remain, will remains at rest, and if moving with uniform velocity, with uniform velocity, agar ek body mein फोर्स जीरो, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो, तो यह बॉडी रेस्ट में होगी तो वो उसी तरह ही रेस्ट में रहेगी,
या फिर मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगी, एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगी। तो देखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या सही, क्योंकि अगर ये बॉडी है, ये बॉडी, ये हमारे साथ एक मार्कर है, ये बॉडी है एक, अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना अप्लाई की होती या तो ये रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ जारी है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जारी या रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन इसमें नहीं, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जारी, 2 मीटर पर सेकंड के साथ बस जारी है, तो फिर इसको क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहते हैं। तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट, तो वही तरह उसी तरह ही रेस्ट में होगी, लेकिन अगर मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी। तो हम अब मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं, मैथमेटिकल मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह होगा इसका, मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह होगा, अगर फोर्स नहीं है, अगर फोर्स जीरो है, फोर्स अगर फोर्स जीरो है, नेट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है फोर्स किस चीज के बराबर है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब या तो मास जीरो है या एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका क्या मतलब है, या तो मास जीरो है या फिर एक्सेलरेशन जीरो है। तो क्या हुआ, तो क्या मास किसी बॉडी का जीरो हो सकता है, नहीं, तो मास जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो इसलिए इस वजह से इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्यों, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको कहते हैं, वी कॉल लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हम इनर्शिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, इनर्शिया इनर्शिया वो प्रॉपर्टी एक बॉडी का, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which resist, the property of a body which, sorry, अगर हम कहते the property of a body due to which, इसकी वजह से, due to which it resist the state of what, state of rest or uniform motion, इसको हम inertia कहते हैं, वो property जिसकी वजह से वो resist करे एक body को कि वो change ना लाए। अगर ये body इस तरह ही है, ये अगर मैं इसको धक्का दें तो कुछ force मुझसे ये ले रहा है, अगर force के अलावा ये कुछ नहीं कर रहा, ये बिल्कुल state of rest में है तो ये मुझे रिजिस्ट कर रहा है, ये बॉडी हमें मुझे भी रिजिस्ट कर रहा है, तो क्यों रिजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये अपना हालत चेंज नहीं करना चाहता, ये मारकर अपना हालत चेंज नहीं करना चाहता। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में, अगर मैं इसको रोक रहा हूं तो कुछ फोर्स मुझसे ये लेगा, क्यों, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मुझे कोई रोके, तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया हम इसको कहते हैं। और इसके बाद अगर आप सोच ले तो एक बॉडी है, मैं सपोज इसको मिटा देता हूं, फिर वो टू टर्म्स है, बहुत ही अहम एलिबोरेट कर देता हूं। अगर एक बॉडी है, एक बॉडी, जितना बॉडी बारी होगी जितना ही बारी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लेगा, मतलब कि इनर्शिया उस बॉडी में ज्यादा होगी। I is equal to mr square is the formula of what?
इज द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। जितना ही मास भारी होगा उतना ही उस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेरा मतलब यह है मास, मास इज द मेजर, मास इज द मेजर ऑफ व्हाट, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इफ इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी मेजर जो है मास ऑफ मास, तो मास इनर्शिया की मेजरमेंट क्या करेगी, मास करेगी। अगर एक बॉडी मोशन में है तो लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो कि क्या है मेरे पास, P = mv, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी, इज द मेजर ऑफ व्हाट, इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम पेर होगा अगर एफ अ बॉडी एज इन मोशन, एज इन मोशन, अगर मोशन में हो तो लीनियर मोमेंटम जो होगा इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा इसका, तो लीनियर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर मोशन में हो, अगर मोशन में हो आप स्टॉप कर रहे हो तो लीनियर मोमेंटम होगा उसका मेजरमेंट किसका, इनर्शिया का। और मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट में होगी। तो चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ, चलते हैं किस तरफ, न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ जाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फोर्स होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स होता है। चलो स्टडी करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए ये फर्स्ट लॉ जो थी वो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स थी, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ फोर्स में होती है, प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए हम किस तरह इसको किस तरह हम स्टेटमेंट की किस तरह कर सकते हैं, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, या व्हेन फोर्स is applied, is applied on a body, अगर एक body पर force apply हो जाए and acceleration and produce acceleration, तो क्या होगा, acceleration produce होगा, force applied produces what, produces acceleration in its own direction and at own direction, अपनी ही सिम्मत में, in its own direction and acceleration produced, जो acceleration produced हो गया varies directly किसके साथ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अच्छा अगर एक बॉडी पर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वेरीज डायरेक्टली विद अप्लाइड फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा एंड इनवर्सली होगा किसके साथ, विद मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। जब एक बॉडी पर देखे, अगर ये मार्कर है मेरे साथ, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता हूं तो VI और VF चेंज, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में
हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं उस डायरेक्शन में मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, वी आई वी एफ चेंज इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गया वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेयर इज डायरेक्टली विद अप्लाइड फोर्स, जितना ही फोर्स ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा होगी। अगर आवर वो एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा किसके साथ, मास, जितना मास ज्यादा उतना क्या एक्सेलरेशन कम, एफ फोर्सेस कीप कांस्टेंट, फोर्सेस कीप कांस्टेंट, फोर्सेस कीप कांस्टेंट। तो देखिए हम अब मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं है लेकिन इसमें नहीं आ जाएगा तो इसको मिटा देते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ फोर्स में हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ फोर्स इसमें फोर्स होता है। तो देखिए हम एलिबोरेट कर देते हैं, जब हमारे साथ फोर्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मास भी जीरो नहीं होगा और एक्सेलरेशन भी हमारे साथ जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी हमारे साथ जीरो नहीं होगा। और हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और इससे अभी हमने पढ़ा अभी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा जितना ही, और हम मैंने मैथमेटिकल भी बता दिया जितना फोर्स ज्यादा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा होगा, जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा जितना उतना ही फोर्स उसमें ज्यादा होगा। और हमने ये भी पढ़ा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इस फॉर्मूले से हो जाता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो देखें हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, तो देखें इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, इससे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, इससे हम ये हासिल कर सकते हैं फोर्स इज द काज ऑफ व्हाट, फोर्स इज द काज ऑफ व्हाट, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं फोर्स इज द काज ऑफ व्हाट, इज द काज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स इज द काज ऑफ व्हाट एक्सेलरेशन, ये हम फाइंड आउट इससे हम कह सकते हैं फोर्स इज द काज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में इसमें याद रखें कि इसमें फोर्स का टर्म जो है वो कीप कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा, और इसमें याद रखें कि इसमें हमारे साथ मास जो होगा वो कीप कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एफ एफ मास इज कीप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एफ द कंडीशन इज एफ फोर्स इज कीप कांस्टेंट, एफ फोर्स इज कीप कांस्टेंट। तो हम इसको इसकी रेशो को स्टडी करते हैं, इसकी रेशो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, तो ए1 डिवाइड बाय ए2 इज इक्वल टू एफ1 डिवाइड बाय एफ2 डिवाइड बाय एफ2। लेकिन याद रखें इसके लिए क्या मास का कीप कांस्टेंट जरूरी है, मास इसकी कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इसके बाद एफ4 इसके लिए रेशो, रेशो की बात, इसके लिए मैंने अभी कहा इसके लिए मास का कीप कांस्टेंट जरूरी है और इसके लिए फोर्स का कीप कांस्टेंट जरूरी है। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, a1 डिवाइड बाय 2 और m2 डिवाइड बाय m1, m1। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ इसका रेशो हुआ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, इन दोनों को कंबाइन कर दे, a1 डिवाइड बाय a2 फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, f1 डिवाइड बाय f2 इसके साथ इनवर्सली रिलेशन है, m2 डिवाइड बाय m1, m2 डिवाइड बाय m1। तो ये इसका कंबाइन है, तो ये इसका क्या है, कंबाइन रेशो है। अगर कोई आपसे कहे कि मैंने फोर्स को डबल कर दिया, और मास इसको भी डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन पर क्या होगा, सेम होगा, क्यों, 2 2 2 2 2 क्या, इधर 4 कैंसिल। अगर कोई कहे ट्रिपल टाइम फोर्स, दोनों फोर्सेस को ट्रिपल टाइम कर दिया, मास इसको ट्रिपल टाइम कर दिया, तो एक्सेलरेशन पर क्या असर होगा, सेम, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 9 9 विद कैंसिल विद 9, सो एक्सेलरेशन विल बी रिमेन सेम। अगर हमें कोई कहे कि ये 2 टाइम्स फोर्स इज 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो क्या होगा, मास इज 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 3 2 3 2 3 6। अगर मास इज बिल्कुल डिफरेंट हो, m1 let's suppose m2 2 हो और ये 3 हो और ये 4 हो और ये 5 हो, इस तरह डिफरेंट हो, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन भी डिफरेंट
होगा, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। अब इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एम, और इधर एक कांस्टेंट है के, लेकिन ये के इज इक्वल टू 1। Why k is equal to 1? Sometimes we take some values and sometimes we take that constant value 1 and sometimes we take some value for that constant. Why we take that constant? The main reason is that value we get from experiment. From experiment we get this value, then we will put in this equation and that equation. So here k is equal to 0. Why? K is equal to 0 because in from experiment we get this value. Due to this, it is equal to 1. And we are going to elaborate one thing more, which is very important. This form of Newton's second law, F is equal to ma. Actually, it is the generalized form of what? It is generalized form of second law. It is generalized form of what? Ye generalized form hai, general form of what? Newton's second law. Lekin actual form kya hai? Actual form. Iske baad lecture mein hum ye puri tarah elaborate karenge, explain karenge. Lekin hum jaane to sahi ke actual form of Newton's second law kya hai. To ye hai. F is equal to del P divided by del T. तो डेल पी क्या है? लीनियर मोमेंटम टाइम टी एफ फोर्स। तो क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। और इसको हम अगले लेक्चर में प्रूफ भी करेंगे। लेकिन इससे इसके इस ये क्या है? ये हमारे साथ एक्चुअल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ है। और ये क्या है? यह हमारे साथ जनरलाइज फॉर्म ऑफ सेकेंड न्यूटन सेकेंड ला है। उसके बाद हम यूनिट के बारे में, फोर्स की यूनिट क्या होगी हमें मालूम है, हम सबको मालूम है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं। तो देखें यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं। देखें हमें मालूम है कि फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? Newton is the unit of what? Newton is the unit of force. Force की unit क्या है? Newton है। तो हमें मालूम होने चाहिए कि 1 Newton किस चीज के बराबर होता है? 1 kg, 1 meter per second square को हम 1 Newton कहते हैं। 1 Newton कहते हैं। 1 Newton हम इसको कहते हैं। और याद रखे, when force is applied on a body, when मैं इस तरह इसको define कर सकता हूँ, 1 newton को define करने जा रहा हूँ, when force is applied on a body, एक body पर मैं force applied कर रहा हूँ of mass, what of mass, having mass of 1 kg, इसका mass कितना है? 1 kg, and acceleration produces हमारे साथ acceleration जो है वो, and acceleration produces what? How much? 1 meter per second square। जब हमारे साथ force हम apply करते हैं एक body पर, having mass of 1 kg and force and acceleration produces of 1 meter per second square, then that applied force जो हमने apply किया था, जो कि जिसने क्या किया, कितने mass की body पर, 1 kg की body पर 1 meter per second square acceleration उसमें produce कर दिया, तो उस applied force को is said to be what? Is said to be 1 newton, is said to be 1 newton, तो उस force को हम 1 newton कहेंगे। अगर एक बॉडी है, let's suppose ये मारकर, ये 1 kg है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया 1 meter per second square के साथ, ये चली गई, एक्सेलरेशन इसमें इतना प्रोड्यूस होगा। अगर एक बॉडी है 1 kg इसका मास है, 1 kg, और मैंने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और 1 meter per second square
इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस में हो गई, तो उस फोर्स को जो मैंने अप्लाई किया था उस फोर्स को मैं 1 न्यूटन कह सकता हूँ, वो 1 न्यूटन होगा, वो 1 न्यूटन होगा। इसके बाद जो कि एमसीक्यूज के हवाले से कनेक्टिंग बॉडीज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, माय फेवरेट वन, कनेक्टिंग बॉडीज, समटाइम द स्टूडेंट स्टक्स ऑन दैट टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट वेरी इजी मेथड, कनेक्टिंग बॉडीज, a lot of MCQs, full of MCQs, connected bodies. देखे, connecting bodies क्या मतलब है? Let's suppose मेरे साथ three bodies हैं. Two भी ले सकते हो, three भी ले सकते हो. Let's suppose मैं इसको M1, इसको M2, इसको M3, इसको M3 और मैंने इसको ऊपर force apply किया F या FT, total force, और इसके ऊपर F1, इसके ऊपर F2, इसके ऊपर F3 forces apply, तो इसके साथ साथ मैं ये लिख सकता हूँ इसके ऊपर acceleration A1, इसके ऊपर A2 और इसके ऊपर A3, ये acceleration है, F1 इसके ऊपर force, F2 इसके ऊपर, F3 इसके ऊपर, M1, M2, M3 ये masses हैं, A1, A2, A3 ये acceleration of the bodies हैं, okay, लेकिन हमें मालूम है, हमने वो उधर पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉस, सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टी, टू बी अ सिंगल पार्टिकल, इसको हम एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर करेंगे। अगर इसको मैं सिंगल पार्टिकल कंसीडर करूंगा तो इसका मतलब ये है m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू व्हाट, m, हम इसको m कह सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था acceleration is inversely proportional to mass, a force is keep constant, a force is keep constant, second condition acceleration is inversely proportional to what, mass, a force is keep constant, a force is keep constant, but here force is not constant in all the bodies, it depends upon the masses of the body, if somebody is heavy so the mass will, so the force will be greater on that body, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसके हाले से उसके फोर्स भी उस पे कम होगा, तो इधर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका मतलब ये है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू ए सिस्टम, ए सिस्टम के ऊपर कितना भी एक्सेलरेशन हो, A1 E2 E3 सारे हमारे साथ एक इक्वल होंगे, मासेस अगर हमारे साथ masses different हो या same हो, force is the key constant, same के लिए नहीं, sorry, अगर masses different हो और तो उसके ऊपर acceleration हमारे साथ same होगा, acceleration हमारे पास same हो, क्यों, क्योंकि forces different bodies पर different होते हैं, different bodies पर different होते हैं, तो इसके through ये rule नहीं apply होता, तो ये जो है acceleration सब में same होगा, A1 is equal to A2 is equal to A3 independent of mass, independent of what, mass, force will be divided among all the connecting bodies. So, iske baad one condition, system is considered to be single. M1 plus M2 plus M3 is equal to M, and acceleration is inversely proportional to M. Ft, F is constant. F force is keep constant, but here force is not constant, so this condition will be not failed here. So, if A1 is equal to A2 is equal to A3, sare acceleration same honge. So, we are going to the third point. So, what is the third point? We are going to discuss the third point. Force will be divided. Force क्या होगा? Will be divided among all the connecting bodies. जितने connected bodies हो, force उसमें distribute होगा, divide होगा connecting bodies. देखें, जो बॉडी लेट्स सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, m2 इज ग्रेटर देन m3, देन फोर्स ऑन m1 विल बी ग्रेटर देन ऑन m2 एंड m2 फोर्स विल बी ग्रेटर देन m3. इसका मतलब क्या है, f1 इज ग्रेटर देन f2, f2 इज ग्रेटर देन m3, जब मास इज ग्रेटर होंगे तो फोर्स भी उस बॉडी पर ग्रेटर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ ए बॉडी, इफ मासेस ऑफ ए बॉडी विल बी ग्रेटर सो द फोर्सेस ऑन दैट बॉडी विल बी ग्रेटर,
that body will be greater. लेकिन याद रखें ये सारे forces का मजमूआ जो है, सम जो है, ये सारे total force के बराबर होंगे. F1 plus E2 plus E3 is equal to F. सारे का मजमूआ क्या होगा? एक के total force के बराबर होगा. Total force के बराबर होगा. और हमें, हम अगर ये जानना चाहते हैं कि M1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा इन दोनों पर, और ये हम जानना चाहते हैं कि M2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा M3 पर, तो देखिए F12 का मतलब क्या है कि M1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर. अगर इस पर ही अप्लाई करे तो इस पर भी अप्लाई कर रहा होगा ना, दोनों पर अप्लाई कर रहा होगा. तो M1 फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दोनों पर. तो हमने पढ़ा है मास का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला MA हमने पढ़ा है. फोर्स 1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा इन दोनों पर, तो देखिए M2 प्लस M3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन सब में सेम है, एक्सेलरेशन सब में सेम है. तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारे साथ, ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दोनों पर. तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे. इसके साथ साथ अगर हम कहें कि ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ऊपर इसके आगे तो कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये सिर्फ इस पर अप्लाई होगा. F23 कितना होगा? M3 into A. A में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि A जो है मैंने अभी पढ़ा, एक्सेलरेशन जो है ये सेम होगा कनेक्टिंग बॉडीज में, कनेक्टिंग बॉडीज में सेम होगा. तो देखिये A इधर F12 क्यू, ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इन पर और इस पर. तो M2 plus M3 ये हमारे साथ क्या है, सिंगल पार्टिकल कंसीडर होगा. M2 plus M3 ये सिंगल पार्टिकल कंसीडर होगा. ये A हमारे साथ एक्सेलरेशन होगा. A1 is equal to E2 is equal to E3. अब ये F2 3 हमारे साथ equal to F3 A, M3 A, क्योंकि ये कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा होगा, तो M3 आगे सिर्फ है A. अगर इसकी M4 होगा तो M3 plus M4 into A होगा. ठीक है, ये हमारे साथ कनेक्टिंग बॉडीज के हवाले से कुछ था. लेकिन इसके बाद फॉर कनेक्टिंग बॉडीज ये याद रखें, कनेक्टिंग बॉडीज एक पॉइंट और मैं भूल गया था, कनेक्टिंग बॉडीज के लिए जरूरी है फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या होगा, F1 डिवाइड बाय F2. हमारे साथ रेशियो इसका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, F इज इक्वल टू MA. तो हमारे साथ ये कनेक्टिंग बॉडीज के लिए ये होगा. ये किसके लिए होगा? कनेक्टिंग बॉडीज के लिए होगा. अगर मैं एक एमसीक्यूज की तरफ जाऊं, टू कनेक्टिंग बॉडीज हैविंग मासेस ऑफ, दो कनेक्टिंग बॉडीज हैं, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, टू कनेक्टिंग बॉडीज. वी आर गोइंग टू, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सी एमसीक्यूज से आते हैं. टू कनेक्टिंग बॉडीज, लेट सपोज हमारे साथ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, टू कनेक्टिंग बॉडीज, दो कनेक्टिंग बॉडीज है हमारे साथ ऑफ 2 kg, having masses of 2 kg and 3 kg. लेट सपोज दो कनेक्टिंग बॉडीज है हमारे साथ, उसके मासेस कितने हैं, 2 kg और 3 kg रेस्पेक्टिवली. हमारे साथ ये क्या है, ये हमारे साथ मासेस हैं. एंड द टोटल अप्लाइड फोर्स. लेट सपोज मैं इसको S5 न्यूटन, मैं इसको 5 न्यूटन ले लूं, देन व्हाट वुड बी द, देन व्हाट वुड बी द F1 and F2. F1 कितना होगा और F2 कितना होगा? हमें क्या दिया गया है, देखिए कनेक्टिंग बॉडीज हैं, कनेक्टिंग बॉडीज कितने बॉडीज है, 2. एक M1 कितना है मेरे साथ, M1 2 kg. M2 कितना है, M2 3 kg. और हमें कहा गया है टोटल फोर्स कितना उसके ऊपर अप्लाइड है, कितना, 5 newton. आपने क्या मालूम करना है, F1 और F2 को मालूम करना है. अभी मैंने लिखा था कनेक्टिंग बॉडीज के लिए F1 divided by F2 is equal to M1 divided by M2. ये मैंने लिखा था. एक्सेलरेशन अगर गिवन नहीं है तो स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है. लेकिन याद रखिए कनेक्टिंग बॉडीज के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए M1 कितना है, 2. M2 कितना है,
3, तो इसका मतलब F1 कितना है? F1 2 न्यूटन, F2 कितना है? 3 न्यूटन, F2 कितना है? 3 न्यूटन, ये हमारे साथ ऑप्शन रहा, ये हमारे साथ ऑप्शन रहा। इसके बाद MCQs हैं कि अगर M1, M2, M3 आपके साथ गिवन है, तीन है और टोटल फोर्स भी हमारे साथ गिवन है और ये कनेक्टिंग बॉडीज हैं और इसके हवाले से बहुत कनेक्टिंग टू थ्री लिख लेते हैं, थ्री कनेक्टिंग बॉडीज। देखें बहुत ही अहम MCQs हैं, लेकिन याद रखिए थ्री कनेक्टिंग बॉडीज हैं, थ्री कनेक्टिंग बॉडीज हैं और M1 मेरे पास 2 kg, M2 इसने लिखा है 3 kg, M3 हमारे साथ 4 kg और इसके साथ साथ हमें गिवन दिया गया है कि टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स हमें 81 न्यूटन है मेरे साथ। अगर मैं इसको 8 न्यूटन, यस चलो इसके ऊपर एक और MCQs कर लेते हैं, ये एक और ट्रैक्स लेते हैं, 8 न्यूटन, लेट्स सपोज 8 न्यूटन, M1 गिवन है, M2 गिवन है, M3 गिवन है और हमसे मांगा गया है कि A1 को फाइंड करें, A2 के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा, A1 के ऊपर कितना एक्सेलरेशन, A2 पर के ऊपर कितना एक्सेलरेशन और A2 के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा और A3 के ऊपर कितना का एक्सेलरेशन होगा और पूरे सिस्टम पर कितना एक्सेलरेशन होगा, पूरे एक सिस्टम पर कितना एक्सेलरेशन होगा। और इसके बरक्स हमसे पूछ सकते हैं F1 कितना होगा, F2 कितना होगा, F3 कितना होगा, F3 कितना होगा टोटल, तो हमें गिवन दिया गया है। और इसके साथ साथ F1 2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F2 3 कितना फोर्स अप्लाई करेगा, एक एक करके हम अब स्टडी करेंगे, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। अच्छा, फॉर कनेक्टिंग बॉडीज के लिए हमें पता है एक्सेलरेशन सबका सेम होता है, A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A system, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। और कनेक्टिंग बॉडीज हमने पढ़ा है कि पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब क्या, M1 plus M2 plus M3 is equal to M, 2 plus 3 plus 4 is equal to 9 kg, तो ये एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखें एक्सेलरेशन सब में सेम होगा और फोर्स सब में डिफरेंट होगी। और इसके साथ साथ हमने एक सिंगल सिस्टम को लेना है तो सबका मासेस हम एड अप करेंगे और हमें मालूम है F is equal to ma, हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सारा एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन सब में सेम होता है, जब कनेक्टिंग बॉडीज होगी तो एक्सेलरेशन सब में सेम हो गई, तो ma हमारे साथ ma, तो फोर्स हमें पता है 8 न्यूटन, कितना 8 न्यूटन, और नीचे मास कितना है 9 kg। अच्छा, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन, सॉरी अगर हम इधर ये ले ले MCQs में, हाँ बिल्कुल वही ठीक था, 91 ले ले, 81 न्यूटन और इधर भी 81 ले ले तो फिर आसानी हो जाएगी। इधर मैं इसके लिए सोच रहा था 9 1 9 9 9, तो हमारे पास 9 न्यूटन पर kg, हमारे साथ ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे साथ क्या है, एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे साथ क्या था, एक्सेलरेशन हमारे साथ ये आ गया, ये था एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके बाद अगर, अच्छा ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, न्यूटन पर kg तो इसकी यूनिट नहीं है, तो किस तरह हम करेंगे, 9 न्यूटन का मैंने भी पढ़ा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय kg कैंसिल, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो चलो ये था एक्सेलरेशन, ये हमने टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया, तो हमें क्या हासिल हुआ एक्सेलरेशन कितना है सब में, सारे जो है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Why all have same acceleration? Because in connecting bodies the acceleration will be same. In connecting bodies the acceleration will be same, but the forces will be different. We are going to find out the force F1, F2, F3, F1 to F2, 3. इस तरह हम find out करना चाहते हैं। तो देखें F1 को किस तरह find out करेंगे? ये वैल्यू याद रखें अपने साथ, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके ओके एंड मासेस कितनी थी? मासेस हमारे साथ 2 + 3 = 5 + 4 = 9 kg. 9 kg हमारे साथ मासेस थी. ठीक है, ये हमारे साथ डेटा था. तो देखिए, हम F1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगर हम F1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो M1A, F2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं M2A, M3 को फाइंड आउट करना चाहते हैं M3A. तो देखिए, M1 क्या है हमारे साथ? M1 2 kg, 2A क्या है? 9. F2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, M2 क्या है हमारे साथ? 3. और A क्या है? 9. F3 क्या है हमारे साथ? M3 देखिए 4. और एक्सेलरेशन क्या है? 9. अब फाइंड आउट करें, ये हमारे साथ 18 न्यूटन हो गया और ये हमारे साथ 27 न्यूटन हो गया और ये हमारे साथ 36 न्यूटन हो गया. 36 न्यूटन हो गया. F1, F2, F3 हमने फाइंड आउट कर लिया. M1A, M2A, M3A हमारे साथ ये एक्सेलरेशन, ये फोर्सेस हो गए. और इसके बाद हमें हमें मालूम होना चाहिए क्या ये F1 है. अच्छा, F1 को हमने फाइंड आउट करना है. M1 = 4 × 9 = 36. हमारे साथ F1 कितना हुआ? 18 न्यूटन, ऐसा पर मैं लिख रहा हूँ. F2 कितना हुआ? 27 न्यूटन. F3 कितना हुआ? F3 हमारे साथ 36 न्यूटन हमारे साथ हो गया. तो देखिए, ये हमारे साथ डेटा हुआ. तो अब हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? F12 हमारे साथ गिवन नहीं है. F12 F12 के लिए याद रखे, F1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है F2 M1 और M2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों बॉडीज पर? तो M2 प्लस M3 इनटू A, ये हमारे साथ F12 के लिए फॉर्मूला होगा. और इसके बरक्स अगर हम F23, 3 के आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, 3 के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम M3 को लेंगे और A लेंगे. F3 M3 इनटू A हम इसको लेंगे. तो देखें, अब इसको करते हैं. 1 2, ये कितना है? 2. ये कितना है? 3. ये कितना है? 9. डेटा से मैंने ले ली 45 न्यूटन हमारे साथ ये हो गया. ये कितना हुआ? 45 न्यूटन हमारे साथ हो गया. और इसको M3 कितना है देख ले. M3 4. ये कितना है? 9. एक्सेलरेशन F23 इज इक्वल टू 36 न्यूटन हमारे साथ ये हो गया. उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी. लेकिन इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड सा एमसीक्यूज है. कॉम्प्लिकेटेड इस तरह नहीं देते कि सारे के सारे टर्म्स आपसे मांगे हैं, लेकिन इसलिए मैंने की ताकि आपको हर एक टर्म आपको समझ आ जाए. और इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं. तो देखें और समझें, समझने की कोशिश करें. मैं थोड़ा धीरे धीरे ये एमसीक्यूज करूंगा. देखें, हमारे साथ उसी तरह तीन बॉडीज हैं, कनेक्टिंग बॉडीज 3 बॉडीज हैं. मैं स्टेप वाइज बहुत ही स्लोली करूंगा. 3 बॉडीज हमारे साथ हैं. देखें, ना ही मैं डायग्राम में मिटाऊंगा. देखें, 3 बॉडीज हमारे साथ हैं. लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूं x y z. और ये इसके ऊपर m1, ये m2, ये m3. और फोर्स इसके ऊपर है f, और इसके ऊपर F1, इसके ऊपर F2, इसके ऊपर F3. ये फोर्सेस है, ये फोर्सेस हैं. और मासेस जो हैं, ये हमारे साथ M को मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ M को मैं लिख रहा हूँ. लेट्स सपोज इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3M, इसके ऊपर मासेस को डिफरेंट ले रहा हूँ, और इसके ऊपर 4M मैं ले रहा हूँ. ये 2M है, ये 3M, ये 4M है, ये 4M है. मासेस को मैंने इस तरह कर लिया. तो देखें, हमसे मांगा गया क्या है? आपसे मांगा गया है एक्सेलरेशन ऑन एक्स, एक्सेलरेशन ऑन वाई, एक्सेलरेशन ऑन जी. ये तीन मांगे हैं एक्सेलरेशन और सिस्टम का. आपको पता है एक्सेलरेशन सबका सेम होगा. और इसके साथ साथ आपसे मांगा गया है एफ वन का फोर्स कितना होगा, एफ टू का फोर्स कितना होगा, एफ वन टू कितना होगा, एफ टू थ्री कितना होगा. ये आपसे मांगा गया है. सॉरी, मैंने क्या लिख लिया इधर, आप भी नहीं सोचते. देखें, x y और ये z,
एफ एक्स कितना होगा, एफ वाई कितना होगा, एफ जी कितना होगा, फोर्सेस एफ एक्स एफ वाई एफ जी कितना होगा, और इसके साथ साथ एफ एक्स वाई कितना होगा, एफ वाई जी कितना होगा, ये हमसे मांगा गया है। ये सारे क्वेश्चन हमसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमसे किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक्सप्रेशन सब में सेम होगा, क्योंकि कनेक्टिंग बॉडीज का एक्सप्रेशन सब में सेम, एक बार पॉइंट करना होगा, एक बार पॉइंट करना होगा। तो आपने सबसे पहले मासेस को कलेक्ट करना है, मास को कलेक्ट करना है। तो देखिए 2m plus 3m plus 4m क्या आ गया, 9m, ये मास हमारे साथ हो गया। और फोर्सेस आप अपने क्या करना है, फोर्सेस टोटल फोर्स कितना है, एफ, टोटल फोर्स कितना है एफ। तो देखिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए, तो देखिए मास कितना है, टोटल मास m, टोटल मास कितना है m, m कितना है 9m, और a अपने साथ रख ले, अपने एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय 9m, ये आपके साथ एक्सेलेरेशन आ गया, ये आपके साथ एक्सेलेरेशन आ गया, ये एक्सेलेरेशन आपसे पूछ सकता है, ये एक्सेलेरेशन आपके साथ आ गया। एक्सेलेरेशन ax ये है, ay भी यही है, az भी यही है, a सिस्टम भी यही है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय 9m आपके साथ एक्सेलेरेशन हो गया। ये सब हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए, इन सवालों के जवाब हमें मिल गए। अब एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, एफ जी क्या होगा, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा एफ एक्स को देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स ए, ये तो सब में सेम है, ये सब में सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स कितना है, एम एक्स मास ऑफ एक्स कितना है, 2m, 2m लिख लें, एन टू एक्सेलरेशन कितना है, f डिवाइडेड बाय 9m, f डिवाइड बाय 9m, ये कैंसिल आउट, m m कैंसिल, तो क्या बचा, fx इज इक्वल टू 2f डिवाइड बाय 9, 9 हमारे साथ रह गया, 9 हमारे साथ रह गया। ये था क्या, ये fx था, ये fx हमें मिल गया, ये fx। अब हम fy को करने जा रहे हैं, fy इसको करने जा रहे हैं, तो देखें fy इज इक्वल टू my, my into what, my into my into what a, देखें fy is equal to my क्या है मेरे साथ, 3m, 3m into a क्या है, f divided by 9m, m with m, 3 with 3 are f divided by 3, ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ fy हो गया, f divided by 3, f divided by 3 हमारे साथ fy, fz की तरफ जाए, f z की तरफ जाए, f z is equal to mz into a, mz कितना है 4m, 4m into a कितना है, f divided by 9m, ये cancel out, 4f divided by 9 हमारे साथ fz है, fz है। अब इसके बाद fxy, fyz ये हम find out करेंगे, ये हम find out करेंगे। देखें थोड़ा सा स्लो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्टी है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम क्या, एक्स वाई ए, सॉरी मासेस नहीं है, मासेस जो है वाई का ऊपर प्लस जी के ऊपर, क्या मासेस हैं, और ए हमारे साथ मास ऑफ वाई कितना है, 3, मास ऑफ जी 4, कितना 7m हो गया, कितना हो गया 7m हमारे साथ हो गया, 7m हमारे साथ हो गया, और ये कितना है f divided by 9m, m with m, तो ये कितना हो गया, ये हमारे साथ 7f divided by 9 हमारे साथ हो गया। अब लास्ट वन fyz, y, y के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा तो नहीं है ना, तो देखिए fyz is equal to my, mz into a, mz कितना है 4m, और वो कितना है f divided by 9m, तो हमारे साथ क्या रह गया 4f divided by 9, ये हमारे साथ इसका लास्ट ऑप्शन था, ये लास्ट ऑप्शन था। लेकिन याद रखिए फॉर आइडेंटिकल मासेस, जब मासेस सेम हो फोर्सेस विल बी सेम। इसके बाद हम न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं, वेरी भी थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्यों, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं। देखें न्यूटन थर्ड लॉ, ब्लैक को देखते हैं। एवरी एक्शन, इसका स्टेटमेंट किस तरह है, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन देयर, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, रिएक्शन विच इज इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, इक्वल बट अपोजिट एंड डायरेक्शन, बट अपोजिट एंड व्हाट, अपोजिट एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन में ये हमारे साथ अपोजिट हो, डायरेक्शन में हमारे साथ अपोजिट हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक बॉडी है हमारे साथ, एक दूसरी बॉडी है, ए इसको मैं खेल, इसको बी खेल, ए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, तो देखें फोर्स इसके ऊपर अप्लाई, बॉडी ए इज अप्लाई फोर्स ऑन बी, तो ये हमारे साथ, बी भी हमारे साथ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ये मैग्नीट्यूड वाइज में हमारे साथ सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज हमारे साथ सेम होंगे, लेकिन ये डायरेक्शन वाइज हमारे साथ डिफरेंट होंगे। ये जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रही है, 2 न्यूटन ये अप्लाई कर रहा है, तो ये भी 2 न्यूटन इस पर ऊपर अप्लाई कर रही होगी, और जब, लेकिन ये डायरेक्शन वाइज, इसका डायरेक्शन इसकी इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इससे मत है, तो दोनों का डायरेक्शन वाइज ये हमारे साथ नेगेटिव साइन को शो कर रहा होगा, नेगेटिव साइन। ऊपर जो मैंने लिखा है पॉजिटिव, ये हमारे साथ डायरेक्शन वाइज हमारे साथ है, ये हमारे साथ डायरेक्शन वाइज है, और इसके साथ साथ हम एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, इसका क्या मतलब है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज पर ये एक्ट करती हैं, ड्यू टू दिस रीजन दे डू नॉट न्यूट्रलाइज, इसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज नहीं करती ईच अदर। लेट्स सपोज मैं ये मार्कर ये दीवार के साथ पेंक रहा हूं, तो ये मार्कर वापस आएगा, मैं जितने फोर्स के साथ ये पेंक रहा हूं उसी फोर्स के साथ ये वापस आएगा, लेकिन जिस फोर्स के साथ मैं पेंक रहा हूं, लेट्स सपोज 2 न्यूटन है, वो दीवार भी 2 न्यूटन के साथ आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैं पेंक रहा हूं उस डायरेक्शन से नहीं, उसके ऑपोजिट में पेंक रहा है, लेकिन ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहा है, एक मुझ पर और एक वॉल पर। लेट्स सपोज फुटबॉल को मैं किक कर रहा हूं, फुटबॉल को जितना फोर्स मैं फुटबॉल पर लगा रहा हूं, फुटबॉल उतना ही फोर्स मुझ पर लगा रहा है, वो मुझे रिजिस्ट कर रहा है, इसलिए ये न्यूट्रलाइज नहीं करती, न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि एफ एक्शन एंड एफ रिएक्शन जो है आपस में तो इक्वल होंगे, लेकिन इधर नेगेटिव का साइन भी होगा, और एफ एक्शन प्लस एफ रिएक्शन हमारे साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, जो कि एमसीक्यूज वही है कनेक्टिंग बॉडीज के हवाले से, लास्ट में बस वही पढ़ रहा हूं, लास्ट है। लेट्स सपोज मेरे साथ टू ब्लॉक्स हैं, मेरे साथ क्या है, दो ब्लॉक्स हैं, एक की मास m1 और दूसरी की मास m2, इसके ऊपर f1 और इसके ऊपर f2, और टोटल अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर f है, टोटल अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर f है, और ये a1 इसके ऊपर a2 एक्सेलरेशन है, तो कनेक्टिंग बॉडीज है, इसलिए a1 is equal to a2 is equal to a, सिस्टम पूरा का पूरा एक्सेलरेशन सेम होगा,
लेकिन मास इसको आपने ऐड करना होगा m1 plus m2, और ये फ्रैक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रैक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड दे आर कनेक्टेड अगर कनेक्टिंग बॉडी से, तो ये मेरे तो ये अगर कनेक्टिंग बॉडी से तो एक्सेलरेशन सब में सेम होगा, एक्सेलरेशन सब में सेम होगा लेकिन फोर्स इसमें डिवाइड होगा। तो फोर्स के लिए तो हम देखते हैं F is equal to ma, हमने पढ़ा था वो मास कितना है m1 plus m2, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर m1 plus m2 फोल्ड कर लेंगे, F divided by m1 plus m2, ये हमारे साथ एक्सेलरेशन है जो कि a1 भी है और a2 भी है और a सिस्टम भी है। इसको लेट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसके बाद मैं क्या कर देता हूं फॉर f1, f1 की तरफ जाता हूं, f1 को फाइंड आउट करता हूं, f1 is equal to what, f1 is equal to m1a, m1a, f1 is equal to m1 कितना है मेरे साथ m1, m1 हमारे साथ यही है, m1 वैल्यू नहीं देगी, m1 ये है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये इक्वेशन से लिख ले a सॉरी f डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे साथ f1 के लिए हो गया, ये हमारे साथ f1 के लिए हो गया, ये f1 हो गया, f2 हमसे मांगा गया है m2 into a, m2 कितना, m2 तो हमारे साथ गिवन नहीं है, m2 a कितना है, a ये है f डिवाइड बाय m1 plus m2, ये हमारे साथ f2 हो गया, ये हमारे साथ f2 a की जगह मैंने ये लगा लिया, a की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दिया, तो और सेम ही सेम है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट न्यूटन लॉस, गैलीलियो का कांसेप्ट, एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने इसके ऊपर किए, और कनेक्टिंग बॉडीज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि ये था थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये हो जाता है। मेरे चैनल का नाम एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का नाम यही है फिजिक्स विद अरियान 8234, फेसबुक पर भी मेरा पेज है मिस्टर फिजिक्स के नाम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।